नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। एशिया कप में महज 13 दिन का समय बचा हुआ है। 30 तारीख से आपका एशिया कप जो है 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा और टीम इंडिया का अभी तक स्क्वाड नहीं आया है। और क्योंकि अभी तक स्क्वाड नहीं आया है तो हर किसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो चल रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से स्क्वाड का एनालिसिस कर रहा है, प्लेइंग 11 का एनालिसिस कर रहा है। तो प्लेइंग 11 आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन प्लेइंग 11 बताने से पहले एक खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते जो अब एशिया कप से बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ, उनका नाम है जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट अभी वेस्ट इंडीज दौरे पर थे, टेस्ट मैचेस का हिस्सा थे, ओडीआई मैचेस का, टी20 सीरीज का, और वहां पर उन्होंने मुकाबले खेले भी। अब जयदेव उनादकट को लेकर यह खबरें थी कि शायद एशिया कप के स्क्वाड में इनको जगह मिल जाए एज अ बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर, रिप्लेसमेंट बॉलर, लेकिन वहां पर जयदेव उनादकट की जगह नहीं बन रही है। और क्यों नहीं बन रही है वो आपको बता देते हैं। ससेक्स क्रिकेट ने ट्वीट करके ये जानकारी अभी साझा की है कि जयदेव उनादकट जो हैं उनके लिए अब काउंटी खेलने वाले हैं। देखिए, उन्होंने ट्वीट में लिखा है, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस द साइनिंग ऑफ इंडियन इंटरनेशनल जयदेव उनादकट फॉर द फर्स्ट 3 काउंटी चैंपियनशिप मैचेस इन सितंबर। यानी कि सितंबर में उनके शुरुआत के 3 काउंटी मुकाबले होने हैं और वहां पर ससेक्स के लिए जयदेव उनादकट को साइन कर लिया गया है। और इससे, इस बात से ये इंडिकेट हो रहा है कि जयदेव उनादकट आपके लिए एशिया कप के स्क्वाड में नहीं होने वाले हैं। और जयदेव उनादकट अगर आपके एशिया कप के स्क्वाड में नहीं है तो आपकी प्लेइंग 11 में भी नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं फाइनल प्लेइंग 11 की। देखो, स्क्वाड जो आएगा और जो प्लेइंग 11 हम आपको बताने वाले हैं, ये सभी प्लेयर्स उस स्क्वाड में होने वाले हैं। कोई भी आपको सरप्राइजेस ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो सीधे बैटर्स कौन कौन है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के पास, उस पर नजर डालें। कप्तान रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का एक आउटसाइड चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तिलक वर्मा की हवा काफी ज्यादा चल रही है इंडियन क्रिकेट में। तो ये आपके बैटर्स हैं, तकरीबन 5 बल्लेबाज हैं, प्रॉपर बल्लेबाज जो आपकी टीम में प्लेइंग 11 में एशिया कप में होने वाले हैं। उसके बाद बात करें विकेट कीपर्स की, विकेट कीपर्स की बात करें तो यहां पर ईशान किशन का नाम है और केएल राहुल का नाम है। अब आप लोग सोचेंगे कि संजू सैमसन का नाम नहीं है यहां पर, तो एक रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की जहां पर सीधे तौर पर यह लिखा हुआ है कि संजू सैमसन की जो कि काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट हैं, शायद एशिया कप में अपनी जगह ना बना पाए और इसी वजह से हमने भी संजू सैमसन को विकेट कीपर्स की लिस्ट में नहीं रखा है। तो आपके पास अभी 2 विकेट कीपर्स जो बचे हुए हैं, उसमें ईशान किशन है और केएल राहुल है। केएल राहुल के बारे में लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो एशिया कप तक बिल्कुल फिट हो जाएंगे, 100% फिट हो जाएंगे और वो एशिया कप के स्क्वाड में अपनी जगह बना लेंगे। तो ऐसे में अगर केएल राहुल अपनी जगह बना लेते हैं एशिया कप के स्क्वाड में, तो केएल राहुल आपको प्लेइंग 11 में जरूर नजर आएंगे। तो आपकी प्लेइंग 11 में ईशान किशन और केएल राहुल में से आप खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर 2 विकेट कीपर्स के ऑप्शन हो जाएंगे। और मोस्ट लाइकली अगर केएल राहुल आपके पास हैं तो आप केएल राहुल के साथ ही जाओगे एज अ विकेट कीपर बैटर। उसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो आपके पास 3 ऑलराउंडर्स हैं, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स। अगर आप आईसीसी रैंकिंग्स उठाकर देख लेंगे तो 3 ऑलराउंडर जो है आईसीसी रैंकिंग्स में काबिज हैं। हार्दिक पांड्या है आपके पास जो कि आपके वाइस कप्तान भी हैं। उसके बाद बात करें, रविंद्र जडेजा का नाम आ जाता है वहां पर, और रविंद्र जडेजा के बैकअप के तौर पर आपके पास अक्षर पटेल जैसा क्वालिटी ऑलराउंडर टीम में मौजूद है। तो ये आपके 3 प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं जो आपके एशिया कप के स्क्वाड में, और इनमें से 2 प्लेयर्स तो आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं गेंदबाजों की, कि आपके पास कौन कौन से गेंदबाज होने वाले हैं। ये देखिए, ये हैं स्पिनर्स आपके। अगर हम देखें स्पिन डिपार्टमेंट में, आपके पास कुलदीप यादव हैं और यूजी चहल हैं। कुलदीप यादव की बात करें तो अभी वेस्टइंडीज दौरा कमाल का गुजरा है, चाहे हम ओडीआई फॉर्मेट की बात करें या टी20 फॉर्मेट की बात करें। वहीं अगर हम यूजी की देखें तो यूजी फिलहाल ODI फॉर्मेट की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर नजर होते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको क्योंकि वर्ल्ड कप काफी लंबा टूर्नामेंट होने वाला है, एशिया कप में भी मौका युजवेंद्र चहल को मिल सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल, और जहां पर आपको 2-3 स्पिनर्स खिलाने हो तो युजवेंद्र चहल की जगह वहां पर सीधे बन जाती है। अब बात करते हैं पेस बैटरी की, कि आपके पास कौन कौन से फास्ट बॉलर्स हैं और बुमराह के प्लेइंग 11 में आते ही आपकी पेस बैटरी कितनी मजबूत हो जाएगी, जरा सोचिए। यह है आपका पेस अटैक, जहां पर आपको मोहम्मद सिराज दिख रहे हैं, मोहम्मद शामी हैं, जसप्रीत बुमराह आयरलैंड दौरे पर वापसी कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जो हैं वो आयरलैंड दौरे पर वापसी कर रहे हैं, और शार्दुल ठाकुर जो कि आपके लिए ऑलराउंडर हैं एक तरीके से, बॉलिंग ऑलराउंडर, और हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट भी आपको शार्दुल ठाकुर दे देते हैं। यहां पर बात करें सिराज, शामी, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा का भी एक आउटसाइड चांस जो है वो नजर आ रहा है,
रिपोर्ट अगर आपको हम दिखाएं जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह वन मैन हु कुड मेक अ कमबैक इनटू इंडियाज ओडीआई साइट फॉर द एशिया कप इज टॉल पेसर प्रसिद्ध कृष्णा हु लास्ट प्लेड फॉर इंडिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे एट हरारे ऑन ऑगस्ट 2022 बिफोर ही वॉज रूल्ड आउट ड्यू टू स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द बैक प्रसिद्ध कैन जनरेट पेस एंड बाउंस एंड विल गिव अ न्यू डायमेंशन टू आर पेस अटैक बिफोर दे पिक द टीम फॉर एशिया कप इट विल बी नाइस इफ द सिलेक्टर्स गेट टू वॉच बोथ बुमराह एंड प्रसिद्ध बोलिंग इन द ओपनिंग T20 अगेंस्ट आयरलैंड ऑन ऑगस्ट 18 तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है वो रिपोर्ट है जहां पर सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है अगर हम पेसर्स के नाम देखें वहां पर तो सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है कि देखिए प्रसिद्ध कृष्णा को भी सिलेक्टर्स देख सकते हैं यहाँ पर आयरलैंड दौरे पर और आपके लिए एक और बैकअप तेज गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा जैसा खिलाड़ी आपके स्क्वाड में हो सकता है। तो अगर हम दोबारा से देखें कि आपके कौन कौन से बल्लेबाज होने वाले हैं, कौन कौन से आपके गेंदबाज होने वाले हैं, स्पिन के ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, स्पिनर्स के ऑप्शन क्या हैं आपके पास, तो टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर प्लेइंग 11 की बात कर लें कि आपकी फिर एक्चुअल प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, तो उसमें आप देखें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा को हमने नंबर 4 पर डाला हुआ है क्योंकि केएल राहुल के बारे में लगातार बात तो चल रही है कि वो वापसी कर लेंगे लेकिन अभी भी ऑफिशियल होना बाकी है जो कि बीसीसीआई अपने स्क्वाड में बता देगी। तो ऐसे में अभी केएल राहुल के बारे में ज़्यादा कुछ खबर नहीं है तो वहाँ पर हमने रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पर रखा है। फिर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो आखिर में जाकर ये आपकी प्लेइंग 11 वहां पर बन जाती है। तो इस प्लेइंग 11 के साथ आप एशिया कप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, वर्ल्ड कप में भी आप जा सकते हैं, एक आध चेंज आप प्लेइंग 11 में डेफिनेटली कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्लेयर को लेकर, किस सिचुएशन में आप किसको खिलाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं। बड़ी खबर यही थी कि जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, वापस कर रहे हैं और जयदेव उनादकट जो है वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स से यहाँ से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो अब काउंटी खेलने वाले हैं ससेक्स के लिए। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया जयदेव उनादकट के बारे में कि वो बाहर हो रहे हैं एशिया कप से और टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है एशिया कप और वर्ल्ड कप में। इस वीडियो में हमने आपको यही बताया, होप्स आपको पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत।